गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज अंजुशा एंड टुडे आई एम व्लॉगिंग। तो आज जो है वेडनेसडे है, सुबह के 8:15 बज रहे हैं एंड सारी क्लीनिंग वगैरह मेरी हो गई है, बट बेडरूम की अभी बाकी है क्योंकि प्रिंस और ऋत्विन अभी सो रहे हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर में वो उठ जाएंगे क्योंकि आज हमारे घर में होने वाला है कुछ काम और उसकी वजह से सारा किचन मैंने खाली कर दिया है। अभी दिखाती हूँ क्या कंडीशन हो रखा है घर का। सो जल्दी से जल्दी मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है क्योंकि आई डोंट नो लंच बनाने का टाइम मिलेगा या नहीं। तो ब्रेकफास्ट में मैं आज बना रही हूँ मसाला डोसा ताकि उससे पेट पूरा भरा रहे, क्योंकि लंच में लेट तो होने ही वाला है आज क्योंकि कुछ काम चल रहा है घर पे। अभी दिखाती हूँ थोड़ी देर में एंड यस, तो यही सब चल रहा है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं व्लॉग, लेट्स बिगिन। अभी मैं आ गई हूँ बेडरूम में और थोड़ा सा बेड में ठीक कर रही हूँ। जब तक प्रिंस फ्रेश वगैरह होंगे तब तक जो है ये काम हो जाएगा। उसके बाद मैं फिलिंग जो है मसाला डोसा का मसाला तैयार कर लूँगी एंड चटनी सांभर वगैरह ऑलरेडी रेडी है, तो बस डोसा बनाना है, फिलिंग रेडी करना है। और बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है, इतना ज़्यादा धूल उड़ता है ना हमारे यहाँ कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है। एक आध दिन अगर आप स्किप कर लो ना तो पूरा मोटी लेयर जो है वो जम जाती है धूल की, जैसे आपने कितने महीनों से नहीं सफाई किया हो। तो बहुत दिक्कत लगती है यार ऐसे माहौल में रहना, क्योंकि बहुत मतलब हमेशा क्लीनिंग करते रहना पड़ता है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मसाला जो है मसाला डोसा का वो मैं रेडी कर रही हूँ। तो मैंने ऑयल में डाल दिया है अनियन वगैरह, कड़ी पत्ता, चने की दाल, मूंगफली, सब कुछ, और एक ही साथ में फ्राई कर लूँगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चना दाल पहले डाला था और फिर मूंगफली डाला था। तो ये सब चीज़ें आपको एक एक चम्मच ही डालनी है, ज़्यादा नहीं, बट बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। आप चाहे तो सफ़ेद उड़द का जो दाल होता है वो भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा क्रंचीनेस आता है। एंड उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था प्याज, और प्याज को आपको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा ही ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करना है, क्योंकि डोसा में ना थोड़ा सा इसी टाइप का रहता है, पूरा ज़्यादा रेड फ्राई नहीं करना होता है। तो सबको साथ में आप फ्राई कर ले। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है सॉल्ट, और साथ ही साथ मिर्ची, कड़ी पत्ता, ये सब भी आप डाल दें नॉर्मली, जो भी हम डालते हैं नॉर्मल जब हम फ्राई बनाते हैं तब। और उसके बाद मैंने बॉइल्ड पोटैटोज़ ही डाल दिए यहाँ पे। तो पोटैटोज़ मैंने बहुत ज़्यादा लिए हैं क्योंकि जो उसके अंदर की फिलिंग होती है वो प्रिंस को बहुत पसंद है, तो वो ज़्यादा फिलिंग डाल के खाते हैं, तो इसलिए मैंने ये ज़्यादा डाला है। और अगर बच गई तो बाद में आप इससे सैंडविच वगैरह, बड़ा वगैरह बना सकते हैं आराम से, बट हमारी एक ही बार में फिनिश हो गई थी। तो इसमें डाल देना हल्दी, नमक, दैट्स इट। और कुछ मसाले भी मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा स्पाइसीनेस के लिए। तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्च, थोड़ा सा सांभर मसाला, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, ये सब भी डाला है, और अच्छे से इसे मिक्स कर दे, थोड़ी देर और पकाए ताकि जो सारे मसाले हैं वो अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए पोटैटोज़ में। और साथ ही साथ मैं इसे मैश भी करते रहूँगी धीरे धीरे, क्योंकि जब हम इसे मसाले डोसे के अंदर डालते हैं तो ये थोड़ा सा मैशी काइंड ऑफ होता है। एंड इसी तरीके से ये बिल्कुल रेडी है। मैंने यहाँ पर तवा जो है ग्रीस कर लिया है ऑयल से। डोसा बनाते टाइम आपको ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जैसे ही तेल जो है थोड़ा सा गर्म हो जाए तो आप इसमें डाल दें पानी के छींटे, और इस तरीके से आप डोसा बना सकते हैं। तो पहला वाला डोसा होता है वो हमेशा अच्छा नहीं बनता है, तो मेरा भी डोसा थोड़ा सा मतलब मोटा बन गया है यहाँ पर, बट सेकेंड वाली आप देखेंगे बहुत अच्छी बनी है। तो एक बार ऑयल से ग्रीस करके 4-5 बार डोसा जो है आप निकाल सकते हैं। ज़्यादा ऑयल लगाओगे तो फिर आपका जो डोसा है वो अच्छे से मतलब पतला सा नहीं बनेगा, मोटा मोटा बनेगा,
तो ये देखिए हमारा यम्मी सा ब्रेकफास्ट कम लंच बन गया, रेडी हो गया है। और यहाँ पे आपको डालना है एक स्पून, बड़े वाले स्पून में, और थोड़ा सा 2 सेकंड रुकने के बाद आपको हल्के हाथों से इसे गोल गोल घुमा देना है। तो आप देख सकते हैं कितना इजीली ये स्प्रेड हो रहा है, और यहाँ पे आप देखिए कितना क्रिस्पी एकदम मार्केट की तरह डोसा बना हुआ है। तो पहला डोसा थोड़ा सा बिगड़ ही जाता है, बट बाकी सब डोसे बहुत परफेक्टली बनते हैं। How is the juice? Sorry, how is the taste? अच्छा है। एकदम बाजार जैसा। सांभर मसाला डाले हैं, अच्छा टेस्ट आ रहा है? आ रहा है सांभर मसाला। गाइस तो अभी बज गए हैं 11 और अभी तक जो हमारे मतलब जो काम करने वाले हैं अभी तक आए नहीं है। सारा किचन मैंने पहले ही खाली कर दिया, आप देख सकते हैं डाइनिंग टेबल पे पूरा सामान रखा हुआ है, जो भी अप्लायंसेस है, बर्तन वगैरह सब वहीं पे रखे हुए हैं, और अभी तक उनका आने का कोई ठिकाना नहीं है। आई डोंट नो वो आएंगे भी कि नहीं आएंगे। जब भी कॉल करो तो बोल रहे हैं 1 घंटे बाद आते हैं, आधे घंटे बाद आते हैं, पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं यार। और सारा काम अभी मतलब घर पूरा फैला हुआ है, इनको जाना है ऑफिस 4:30 बजे, इवनिंग शिफ्ट चल रही है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, कैरेज भी नहीं आज दे पाएंगे। एंड यस, तो उधर तो सारा सामान फैला हुआ है, बट इस कमरे में भी बहुत सारा सामान फैला हुआ है, क्योंकि 4-5 दिन से मैं लॉन्ड्री कर रही थी और कपड़े मैंने बिल्कुल भी फोल्ड नहीं किए हैं बिकॉज ऑफ सम XYZ रीज़न, किसी और कामों में बिजी थी मैं। सो कपड़े फोल्डिंग करना ना इज सच अ बिग टास्क यार, मुझे तो बड़ी हेडेक होती है ये काम, मतलब कपड़े धोना, कपड़े फोल्ड करना और कपड़े आयरन करना, ये तीनों काम मुझे कोई ना दे। बाकी आप जितने मर्जी बर्तन घिसवा लो या जो करवा लो, बट कपड़े वाला काम मेरे से बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है, मन नहीं करता करने का। बट चलिए फोल्ड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सारा कपड़ा पड़ा हुआ है, तो आज मैं इसे फोल्ड करके ही रहूँगी। एंड स्टार्ट कर दिया मैंने फोल्डिंग, चाहे जितना भी टाइम लग जाए, और सच बताओ तो 1 घंटा कम से कम तो मुझे लगा ही था, क्योंकि यहाँ पे आपको जो कपड़े दिख रहे हैं वो आधे और दूसरे कमरे में रखे हैं। पूरे मतलब कंटिन्यूस मैंने 4 डेज लॉन्ड्री की है और ये पूरा फैला हुआ है, मतलब एक भी दिन मैंने फोल्ड करके इसे नहीं रखा, बस जमा करती गई। बट इससे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है, आप तुरंत के तुरंत जमा करके मतलब फोल्ड करके रख दो ना तो वो ज़्यादा ईजी रहता है, बट कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है, क्या करें। तो चलिए फोल्ड कर लेते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I... तो हो गई है मेरी फोल्डिंग कंप्लीट फाइनली। एंड सारे जो कपड़े हैं वो मैंने अलग अलग रखे हैं, लाइक रितविन के अलग, मेरे अलग और प्रिंस के अलग। तो जो ये कपड़े हैं वो मुझे देने हैं आयरन के लिए, एंड बाकी सब अभी मैं कबर्ड में रख दूंगी तुरंत के तुरंत, अदरवाइज फिर से ये मैशी हो जाएगा। तो रितविन का जो कबर्ड है वो इसी कमरे में है, और उसके सारे कपड़े वगैरह सब कुछ यहीं रहते हैं, और मेरे और प्रिंस के यहाँ पे हैं। Hey guys, so अभी वो लोग आ गए हैं, काम चालू हो गया है, एंड डस्ट काफ़ी उड़ रही है, और मुझे है डस्ट एलर्जी, तो मैं इसी कमरे में मतलब आज पूरे दिन रहने वाली हूँ जब तक वो काम फिनिश ना हो जाए। उसके बाद साफ सफाई तो करना ही पड़ेगा, बट अभी बहुत ज़्यादा धूल उड़ने वाली है। अभी वो लोग थोड़ा बहुत स्टार्ट करेंगे काम, उसके बाद मैं बात भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वो जो ड्रिलिंग विलिंग करते हैं तो उसका साउंड होने वाला है।
एंड अभी जस्ट मुझे कॉल आया कि अमेजोन से कुछ आ रहा है, मतलब रितविन के लिए मैंने दो चार टॉयज जो है ऑर्डर किए थे, तो उनमें से एक अभी आ रहा है, तो देखते हैं सैनिटाइज वगैरह प्रॉपर करके उसे खोल लेंगे, क्योंकि रितविन जो है नए टॉयज में ना थोड़ा ज़्यादा देर बिजी रहता है, और आज बहुत ज़रूरी है उसे बिजी रखना, क्योंकि वो बार बार उधर जाएगा फिर डस्ट वगैरह उड़ेगा ना तो प्रॉब्लम होगी, तो वो नया टॉय मतलब सही टाइम पे आ रहा है, बिजी रहेगा वो कुछ दिन, मतलब कुछ देर इस मतलब इसी कमरे में रहेगा, ज़्यादा इधर उधर जाएगा नहीं, तो चलिए दिखाते हैं क्या आया है। तुम्हारा हाउस अच्छा है। हाँ, ये किसु का हाउस? अच्छा, ये वाव, बस इतना ही है? वाव, किसका है ये? किसका है किशु? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. पिछले कुछ वीडियोस में मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप इतनी जल्दी कैसे उठ जाते हो या फिर क्यों उठ जाते हो, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। बट पहले मैं बता दूं कि लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था तो मैं बहुत लेज़ी हो गई थी, हम लोग सब बहुत लेज़ी हो गए थे, रात भर हम लोग बिंज वॉच करते थे, सुबह मतलब लेट से उठते थे, एंड पूरा जो शेड्यूल है वो पूरा बिगड़ गया था। तो अभी फिर से बैक टू नॉर्मल लाइफ हम लोग आ गए हैं, क्योंकि ये लॉकडाउन कोरोना ये सब कब ख़त्म होगा वी डोंट नो। एंड अगर आप मेरे से पूछें तो मैं ऐसा हमेशा ही करती हूँ, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, क्योंकि काम रहता है एंड सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, बट जल्दी उठना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, खासकर मेरे जैसे मम्मी के लिए, यानी कि छोटे बच्चों के मम्मा के लिए, या फिर आप ससुराल में रहते हो या मतलब वर्किंग वुमेन हो, जो भी हो, तो जो दिन भर है वो हॉच पॉच में ही निकल जाता है, लाइक ऑफिस का काम, घर का काम, खाना बनाओ, बच्चे को देखो, ऐसे वैसे में। तो सुबह अगर आप जल्दी उठते हो तो आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा टाइम अच्छा मिल जाता है, आप अपने साथ बैठ के बात कर सकते हो, आपको समझ में आता है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। तो इसलिए मैं जल्दी सुबह उठती हूँ ताकि जो दो तीन घंटे हैं वो मैं आराम से एज अ मतलब यू नो एज अ मॉम नहीं, एज अ वाइफ नहीं, अपने लिए, मतलब अंजुषा क्या फील करती है, क्या उसे चाहिए लाइफ में, मतलब माइंड को थोड़ा शांत करने के लिए जल्दी उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसे आप थोड़ा सा मी टाइम भी कह सकते हैं, इसमें आप वो चीज़ें कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, सेल्फ लव जो है इसी से स्टार्ट होता है कि अपने लिए आप थोड़ा सा टाइम निकालें। तो आई थिंक जो लोग मेरी तरह मम्मा हैं या फिर ससुराल में रहते हैं तो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अपने लिए टाइम निकालना। तो आप जल्दी उठो, अपने लिए टाइम निकालो, थोड़ा कॉफ़ी वगैरह ड्रिंक वगैरह पियो, कुछ बुक्स पढ़ो या फिर एक्सरसाइज करो, डांस करो, या फिर चुपचाप ऐसे ही बैठे रहो, तो वो जो चीज़ है पूरे दिन भर के हौच पौच के लिए आपको रेडी करती है और आपका माइंड जो है पीसफुल रहता है। और एक दो को लेडीज़ लोगों को रियलाइजेशन होता है कि यार हम लोग अपने लिए तो जी ही नहीं रहे, तो इस तरीके से आप अपने लिए टाइम निकालोगे ना तो मतलब ये जो गिल्ट है कि अपने लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं वो कुछ हद तक चला जाता है और आप अपने आप को पहचान पाते हो। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि जल्दी से सुबह उठ के अपने लिए कुछ टाइम निकालूँ, बस यही रीज़न है कि मैं उठ जाती हूँ। और वीकेंड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, संडे को हम लोग बहुत देर तक सोते हैं, 10-11 बजे तक डायरेक्टली हम लोग ब्रंच करते हैं, तो संडे को हम लोग हमेशा इसी तरीके से रहते हैं। बट बाकी सब दिन थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ कि कुछ मतलब प्रोडक्टिव कुछ ऐसा दिन जाए। सो गाइज, ये जो ब्लॉग है वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मेरे घर का कंडीशन अभी आप लोगों को पता है कि क्या हो रखा है, अभी सारा काम फिनिश हो गया है तो अभी सफाई में मुझे लगना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या करवा रहे थे हम किचन में,
एंड यस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ऑल्सो कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप लोगों से इंटरेक्ट करने का मुझे बहुत मन करता है। तो नीचे कमेंट सेक्शन पे कुछ मेरे साथ इंटरेक्शन करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो यस, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।